फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877740। तेलंगाना के निर्मल गवर्नमेंट अस्पताल में बिजली की सप्लाई में रुकावट से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और डॉक्टर्स सेल फोन की रोशनी में इलाज करने पर मजबूर हो गए। मरीजों ने शिकायत की कि वक्फे से बिजली की सप्लाई में रुकावट पैदा हुई। मरीजों के रिश्तेदारों ने कहा कि अगरचे के इमरजेंसी खिदमात फराहम करने वाले ICU और बच्चों के शोबे में इन्वर्टर्स की मदद से बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया, ताहम जनरल वार्ड्स और दीगर शोबे जात में बिजली की सप्लाई मुतासर होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि अस्पताल में बिजली की जरूरियात की तकमील के लिए जनरेटर लगाया गया था, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इस वाक़े पर मरीजों के साथ साथ मुकामी अफराद में भी बरहमी पाई जाती है। तेलंगाना के जगतियाल के BRS रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी में हलचल मच गई है। इस हलके से कई मियाद तक असम्बली में नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जीवन रेड्डी MLC के ओहदे से मुस्तफी होने का मंसूबा रखते हैं। इस सिलसिले में वो अपने हामियों और पार्टी कारकुनों से बातचीत कर रहे। BRS रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कांग्रेस में शामिल हो गए, जिससे जीवन रेड्डी इस बात पर सख्त नाराज हैं कि उन्हें बताए बगैर डॉक्टर संजय कुमार को पार्टी में मिल किया गया। इस मसले पर उन्होंने अपने हामियों से मुलाकात की और अपने सियासी मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर संजय के खिलाफ जीवन रेड्डी 2014 से जगतियाल हलके से 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। दोनों ने 2023 का इलेक्शन लड़ा था, जिसमें जीवन रेड्डी को शिकस्त हुई थी। इस पसे मंजर में वो संजय को उनके इल्म में लाए बगैर कांग्रेस में शामिल करने पर शदीद नाराजगी का इजहार कर रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट व्हिप आदिश निवास और कांग्रेस के दीगर कायदीन जीवन रेड्डी के मकान पहुंचकर उनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला ना लेने का मशवरा दिया। मालूम हुआ है कि जीवन रेड्डी ने अपने करीबी दोस्तों से तबसरा किया है कि उन्होंने 40 साल तक बाइज्जत तरीके से सियासत की और पार्टी से इस्तीफा देकर ज़िराअत का काम करेंगे। रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए गए हैं। रियासत के 44 IAS ओहदेदारों के तबादले के अहकाम जारी किए गए। जंगलात और माहौलियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और इनकम टैक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर मुर्तुजा अली रिजवी को मुकर्रर किया गया। सरफराज अहमद को मेट्रोपोलिटन कमिश्नर, HMDA शेख यासमिन बादशाह को डायरेक्टर हार्टिकल्चर मुकर्रर किया गया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन ओहदेदारों के बादलों के अहकाम जारी किए। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर पुराने शहर हैदराबाद के सईदाबाद में पुलिस ने देर रात गए होटलों और पान के डब्बों के साथ साथ फास्ट फूड सेंटर्स की अचानक तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने कहा है कि ममनुआ अशिया जैसे गांजा, गुटखा और दीगर नशेली अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत इम्कान है कि ग्रुप वन के इम्तिहानात के लिए एक जायदाद के लिए 100 उम्मीदवारों को अहल करार देना इंतखाबी मियार का ऐलान करेगी। उम्मीदवार अपोजिशन जमातों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे और धरने दे रहे। जराए ने बताया कि हुकूमत इस पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए हैं और इम्कान है कि जल्द ही ग्रुप वन के लिए एक जायदाद के लिए 100 उम्मीदवारों के अहल करार देने के तनासब के हिसाब से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 फरवरी को ग्रुप वन खिदमात में 563 जायदादों पर रास्त तकरारात के लिए नोटिफिकेशन नंबर 02/2024 जारी किया था। इब्तदाई टेस्ट 9 जून को तेलंगाना भर में 31 अजला के 897 मराकज में मुनाकिद किया गया था। इम्तिहान में जुमला 3,02,172 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। रियासत भर में हाजिरी का तनासब 74.86% रहा था, जिसमें वन पट्टी में सबसे ज्यादा 82.74% दर्ज किया गया था। चूँकि ग्रुप वन का नोटिफिकेशन एक दिहाई के
बाद जारी किया गया था। उम्मीदवार चाहते थे कि हुकूमत उन्हें ग्रुप वन की पोस्टों पर भर्ती के लिए मुनासिब मौका फराहम करे। ये बात काबिले जिक्र है कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स के तखुरात के लिए तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों की अपीलों के जवाब में इब्तदाई इम्तिहानात के लिए कट ऑफ मार्क्स में मुयस्सर तरीके से नजरसानी की थी, जिसमें भर्ती के नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद तौसी शुदा फर्क का हवाला दिया गया था। तेलंगाना बीजेपी एक शर्मनाक सूरतहाल से दो चार है, क्योंकि यहां पार्टी के सीनियर कायदीन और नए आने वालों के दरमियान इख्तलाफ नुमाया तौर पर सामने आ गए हैं। पार्टी के मलकाजगिरी एमपी इटाला राजेंद्र, जिन्हें तेलंगाना बीजेपी के सरबरा के अहदे के लिए सबसे आगे देखा जाता है, उन्होंने पार्टी के पुराने और नए लीडरों के दरमियान तनाजे का मसला उठाया। शहर में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कदीम और सीनियर लीडरों को अहम जिम्मेदारियां देने की अहमियत को जागर करते हुए कहा है कि पार्टी की तरक्की और फरोख के लिए नए खून और नए लीडरों की भी जरूरत होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को इख्तदार में आने के लिए नए लीडरों और नए अहदेदारों की जरूरत होती है, उनके बगैर पार्टी तरक्की नहीं कर सकती। पुराने और नए आने वाले लीडरों दोनों को पार्टी की तरक्की के लिए हम आहंगी के साथ काम करना चाहिए। ताहम इटाला राजेंद्र को जल्द ही बीजेपी के सीनियर लीडर और शाह महल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। राजा सिंह ने इटाला राजेंद्र के बयान के जवाब में एक वीडियो जारी किया। जवाब में सोशल मीडिया पर गर्दिश भी किया जा रहा, जबकि उसे कई तेलुगु टीवी चैनल्स पर भी बताया गया। राजा सिंह वीडियो में कहते हुए नजर आए कि पार्टी क्यादत को नए रियासती सदर का इंतखाब करते हुए ऐसे शख्स को जहन में रखना चाहिए जो तवील अरसे से पार्टी में काम कर रहा हो और पार्टी नजरिया वो हिंदू मजहब और हिंदुत्व पर यकीन रखता हो। उन्होंने ये भी कहा है कि नए तेलंगाना बीजेपी के सरबरा को जारहाना होना चाहिए, इसके पास कौम और मजहब का एहतराम होना चाहिए, वो तमाम लीडरों को साथ लेकर चलने की पोजीशन में हो। मैं पार्टी क्यादत से दरख्वास्त करता हूँ कि नए सदर की तकरीरी से पहले इन तमाम नुकात को मद्देनजर रखा जाए और इसके बाद ही तेलंगाना बीजेपी के सदर का इंतखाब अमल में लाया जाए। नीट और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात के इनेकाद पर मरकज की एनडीए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि मुल्क के नौजवानों का ये हक बनता है कि वज़ीर आज़म मोदी नौजवानों से मौज़रत ख्वाही करें और नौजवानों हुकूमत से इंसाफ के मुस्तहिक हैं। हुकूमत को हदफ मलामत बनाते हुए उन्होंने कहा कि इम्तिहान के जंगजू नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल से जंग छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि पहले नीट यूजी 23 लाख तलबा, फिर यूजीसी एनईटी 9 लाख तलबा, अब फिर सीएसआईआर एनईटी 2 लाख तलबा इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने इम्तिहान से एक रात कबल नीट पीजी को मनसूख कर दिया, जिसमें 2 लाख तलबा शरीक होने वाले थे। इसी तरह मोदी हुकूमत ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जंग छेड़ दी है। ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म मोदी और उनकी काबीना रफ़ा पर आयद होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे नौजवान वज़ीर आज़म मोदी की माजरत ख्वाही और हुकूमत से इंसाफ के हुसूल के लिए मुस्तैक हैं। नारा लोकेश ने आंध्र प्रदेश के वजीर आईटी और तालीम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने सेक्रेटरियट के चौथे ब्लॉक में अपने चैम्बर में खसूसी पूजा करने के बाद ये जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर लोकेश ने मेगा डीएससी से मुतलिक पहली फाइल पर दस्तखत किए। उन्होंने काबिना के सामने 16,347 मुलाजिमतों को पूर करने के लिए तरीक़ेकार से मुतलिक फाइल्स पर उन्होंने दस्तखत किए हैं। सेक्रेटरियट पहुँचने से पहले वजीर का पंडितों ने वैदिक श्लोकों और दीगर के साथ इस्तकबाल किया। लोकेश के साथ ही वज़रा एमएलए सीनियर अहदेदारों और तेलुगुदेशम पार्टी के लीडरों ने जिम्मेदारी संभालने पर लोकेश को मुबारकबाद दी। लोकेश तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर व आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा और उनके बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल शादी के बंधन में बंध गए। इन दोनों ने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली। इस वक्त सोनाक्षी और जहीर के अरकान खानदान के अलावा कुछ करीबी अफराद भी मौजूद थे। शादी के मौके पर बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा भी मौजूद थे। वो काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने नए जोड़े को दुआएं दी और कहा कि उनकी इकलौती बेटी शादी के बंधन में बंध गई। फिल्म अदाकार वो दुल्हन के वालिद ने कहा कि हर बाप इस लम्हे का इंतजार करता है जब उसकी बेटी को उसकी पसंद के शख्स
के हवाले किया जाए। मेरी बेटी जहीर के साथ सबसे ज्यादा खुश है, मेरे लिए ये अहम बात है और खुदा उनकी जोड़ी को सलामत रखे। सोनाक्षी और जहीर ने 23 जून की शाम मुंबई के बांद्रा में शादी की थी। शुरू हुए 18वें लोकसभा के पहले इजलास में अरकान पार्लियामेंट की हलफ बर्दारी हुई। पीएम मोदी ने लोकसभा के रुकन के तौर पर हलफ लिया। उनके अलावा मरकजी काबिना के बुजरा बशमूल वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, रोड ट्रांसपोर्ट के वजीर नितिन गडकरी ने भी हलफ लिया। मगर कांग्रेस के रुकन के सुरेश, डीएमके के लीडर टी बालू और टीएमसी के रुकन पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय ने हलफ नहीं लिया। इन अरकान पार्लियामेंट ने भर्तरी हरी महताब के प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर एतराज किया। दरअसल पीएम मोदी के बाद राधामोहन सिंह और फगन सिंह कलस्ते ने रुकने पार्लियामेंट के तौर पर हलफ लिया। दोनों अरकान पार्लियामेंट आइंदा 2 दिनों तक ऐवान की कार्रवाई चलाने में प्रोटेम स्पीकर भर्तरी हरी महताब की मौनत करेंगे। इसके अलावा के सुरेश, के टी बालू और टीएमसी के रुकने पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय को भी राधा मोहन सिंह और फगुन सिंह कलस्ते के साथ पैनल ऑफ चेयरमैन के लिए मुंतखब किया गया, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं लिया। इसके अलावा इससे पहले अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ऐवान में आइन की कॉपी लेकर पहुंचे थे। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने आइन की कॉपी लेकर ऐवान के बाहर मार्च भी किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। दिल्ली हुकूमत के सभी वुजरा ने एक मीटिंग की। ये मीटिंग आतिशी के जरिए की जा रही भूख हड़ताल वाले मुकाम पर की गई। सभी का मुतालबा है कि दिल्ली को इसके हक का पानी दिया जाए। सभी वुजरा ने इस सिलसिले में एक मुश्तरिका खत लिखा और अपने दस्तखत किए हुए इस खत को वजीर आजम को इरसाल करने का फैसला किया, ताकि वजीर आजम इस मामले में मदाखलत कर आबी बहरान का मसला हल करे। इस मीटिंग में ये करारदाद भी लाई गई कि दिल्ली हुकूमत के सभी वुजरा LG लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ एक मुश्तरीका दौरा वजीराबाद बैरिश पर करेंगे, ताकि सभी के सामने हालात वाजे हो जाएं। आम आदमी पार्टी लीडर और वजीर गोपाल राय ने इस ताल्लुक से कहा कि ये अहम मीटिंग हुई जिसमें इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि 30 साल पहले दिल्ली को जो पानी मिल रहा था वही 30 साल बाद भी मिल रहा है, जबकि आबादी 3 गुना से ज्यादा हो गई है। नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 9 जून को वज़ीर आज़म का ओहदा तीसरी बार हलफ लिया, यानी मोदी 3.0 के 15 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 15 दिनों में मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक मुख्तसर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसमें मोदी हुकूमत को 10 मुहाज़ पर नाकाम बताया गया और ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि ये हुकूमत अवाम के लिए काम करने की जगह किसी तरह हुकूमत को बचाने में मसरूफ़ है। दरअसल राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने नई NDA हुकूमत के पहले 15 दिनों के अहम वाकयात का तस्करा किया। ये इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, NDA के पहले 15 दिन एक खौफनाक ट्रेन हादसा, कश्मीर में दहशतगर्दाना हमला, ट्रेनों में मुसाफिरों की हालत इजार, नीट इम्तिहान घोटाला, नीट PG इम्तिहान मुलतवी, UGC नीट का पेपर लीक, दूध, दाल, गैस, टूल मजीद महंगे, आग से धकते जंगल, आबी बहरान, हीट वेव में इंतजाम ना होने से अमवात। इस पोस्ट में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए लिखा कि नफसियाती तौर से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत का आइन पर हमला हमारे लिए नाकाबिले कबूल। सऊदी अरब में हज के मौसम के दौरान 1301 आजमीन अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 83% गैर रजिस्टर्ड थे। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्क के वजीर सेहत फहद अल जलाजेल के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमती सेहत की देखभाल के शोबे ने शदीद गर्मी से होने वाले तनाव के मामलों की देखभाल की है, जिनमें से कुछ लोग अभी भी तिब्बी इमदाद में हैं। मरने वालों में कई बुजुर्ग और शदीद बीमार अफराद शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तदाई तौर पर ज़ाती मालूमात या शनाख्ती दस्तावेजात की कमी थी, लेकिन अब तमाम मुतासरीन की शनाख्त कर ली गई और उनके अहले खाना को आगाह कर दिया गया। शनाख्त, तदफीन और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के निज़ाम ने हंगामी देखभाल और सर्जरी से लेकर डायलिसिस तक 4,65,000 से ज्यादा खसूसी इलाज की खिदमात फराहम की, जिनमें 1,41,000 खिदमात उन लोगों के लिए भी शामिल हैं जिन्हें हज करने की सरकारी इजाज़त नहीं मिली थी।
Hidayah Islamic International School expands to Toli Chowki and Aramgarh, Hyderabad, offering academic excellence with Islamic values and Hifz-e-Quran. Our campus boasts modern amenities, sports facilities and a commitment to holistic development. Transport services available. Join us for a transformative educational journey at Hidayah Islamic International School. Success in both the worlds. Admissions are open. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा Neurosurgery, Cardiology, Gynecology, Dental, General Medicine, Dialysis और Physiotherapy जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है. आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे.